नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन। एक बार फिर आपका स्वागत है एवन टीवी की हमारी खास पेशकश आगे बढ़ता राजस्थान में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे राजस्थान के पहले पेपरलेस बजट की। सीएम अशोक गहलोत ने जब विधानसभा में बजट का पिटारा खोला तो उससे विकास कार्यों के डेवलपमेंट की ग्रीन लाइट जल गई। सबसे बड़ी बात, आर्थिक परेशानियों के बीच कोई टैक्स न लगाकर आम आदमी का ख्याल रखा गया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए रीको प्रगति के नए पथ पर अग्रसर है। इससे राज्य में निवेश और राजस्व की बढ़ने की अपार संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का एक और नया सफर। राजस्थान में विकास की कई योजनाएं धरातल पर साकार हो चुकी हैं और कई प्रगति पर हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी से बजट का जो पिटारा खोला है उससे भी विकास की बहार आ गई है। विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले राज्य भर से आई विकास की खबरों पर डालते हैं एक नजर और देखते हैं विकास समाचार। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना परिसर में स्वागत कक्ष का लोकार्पण हुआ है। इस दौरान विधायक गोपीचंद मीणा और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने रिबन काटा। थाने के नए भवन की लागत 12 लाख रुपए है। इसमें विधायक निधि और भामाशाहों की मदद मिली। अलवर जिले के बानसुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का शिलान्यास हुआ है। इसमें विधानसभा क्षेत्र में 9,64,00,000 रुपए की लागत से बन रही 4 सड़कों का शिलान्यास किया गया। जयपुर ग्रामीण सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ और बानसुर विधायक शकुंतला रावत ने कहा कि सड़कों के निर्माण से 6 ग्राम पंचायत के लोगों को फायदा मिलेगा। पानी की समस्या पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से जल्द ही बानसुर के 13 गांवों को 15 करोड़ की पेयजल योजना जारी की जा रही है। इससे बानसुर के 13 गांवों को घर घर पानी मिलेगा। दौसा जिले के बांदीकुई में आधा दर्जन सड़कों का उद्घाटन किया गया। बांदीकुई विधायक गजराज खटाना ने विधानसभा क्षेत्र में 6,35,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 6 सड़कों का भावता से उद्घाटन किया। इसके साथ ही झरवालों की छाणी में सड़क उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान में विकास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अलग ही विजन है। गहलोत ने बतौर वित्त मंत्री पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। राज्य के विकास के लिए गहलोत ने 2 घंटे 47 मिनट तक कई अहम घोषणाएं की, जिसके जरिए गहलोत ने बता दिया कि वह जनता के जननायक हैं और अपनी जादूगरी से हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में माहिर हैं। सूबे के मुखिया के बजट पिटारे से विकास की बहार निकलती रही। खेती और किसानों के लिए यह बजट हरा भरा रहा तो आम आदमी पर कोई टैक्स नहीं लगाया। शिक्षा और मेडिकल में भी विकास कार्यों को धरातल पर लाने के लिए कई घोषणाएं हुई। सार्वजनिक जीवन में इससे मुश्किल दौर शायद ही हमने कभी देखा हो। हमारे द्वारा राज्य में कोरोना की शुरुआत से ही निरंतर मॉनिटरिंग माइक्रो प्लानिंग पर जोर दिया गया और राजस्थान सतर्क है कि पहल के साथ कोविड-19 महामारी की चुनौती के लिए कुशल प्रबंधन किया गया। हमने प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। राज्य के सभी जिलों में कोविड की RT-PCR जांच सुविधा विकसित करते हुए जांच क्षमता 0 से बढ़ाकर 70,000 प्रतिदिन की गई। इसके साथ ही मानव धर्म निभाते हुए इस संकट काल में भी हमारा संकल्प था कि कोई भूखा न सोए। प्रदेशवासियों के सहयोग से हम इसे पूरा करने में सफल रहे। आमजन की पीड़ा को अनुभव करते हुए मैं एक विशेष कोविड पैकेज की घोषणा करता हूँ। हमने इस महामारी काल में 33 लाख असहाय निराश्रित डेस्टिट्यूट मजदूर परिवारों को 3,500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 1,155 करोड़ रुपये की DBT के माध्यम से सहायता प्रदान की है। अब मैं आगामी वर्ष में इन परिवारों को अंतिम किस्त के रूप में 1,000 रुपये की और सहायता देने को मैं शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार रोजगार की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा करता हूँ। योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लघु उद्योगों को समय देने के लिए
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 10,000 नए लघु उद्यमों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केवल प्रोजेक्ट अप्रेजल के आधार पर बिना किसी शर्त के सीड मनी के रूप में 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। कोरोना महामारी के कारण छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हुई, जिसे वर्ष लगभग 0 ईयर हो गया। विद्यार्थियों के लर्निंग अंतराल को पूरा करने, लर्निंग स्टैंडर्ड के अनुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने तथा क्लासरूम के प्रति सहज अनुभव करवाने के लिए बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मैं आगामी वर्ष में प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम अनुसार पूरक पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क दिए जाने की घोषणा करता हूँ। इन पर लगभग 470 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जैसा कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्धियंती कार्याणी न मनोरथे, अर्थात कार्य परिश्रम से सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं। इसी भावना के साथ में हमारी सरकार ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं रखी। चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, हमारी सरकार का मुख्य ध्येय जन कल्याण ही प्रतिबद्धता, जन कल्याण ही प्राथमिकता रहा है। इसी का सुफल है कि हमने 2 साल में ही जन घोषणा के आधे से अधिक वादों को पूरा किया है। अब हमारा प्रयास है कि विकास की गति को और बढ़ाएं तथा जनता के किए वादों को पूरा कर प्रदेश को सुशासन के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, जैसा कि सबको विदित है, पहला सुख निरोगी काया के अवधारणा पर काम करते हुए हमारी सरकार के पिछले दोनों वर्तमान कार्यकाल में चिकित्सा स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहा है। हमारे द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान अभियान, नए मेडिकल कॉलेज, कोविड प्रबंधन इत्यादि की सभी ने प्रशंसा की है। अब समय आ गया कि हमारे द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कामों और नवाचारों को हम और आगे ले जाएं। इसी कड़ी में हम राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में देश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू किया जाएगा। इस मॉडल को प्रभावी बनाए जाने, सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से राइट टू हेल्थ बिल भी लाया जा रहा है। ये मॉडल जन जन के लिए उच्चतम स्तर के स्वास्थ्य मापदंडों को प्राप्त करने का देश भर में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इस मॉडल के माध्यम से प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर व क्यूरेटिव केयर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भावना के अनुरूप लागू करने के लिए हम प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं। 3,500 करोड़ रुपये की लागत से देश में पहली बार हमारे प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करेंगे। राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रकार आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के NFSA एवं SECC परिवारों के साथ साथ समस्त संविदा कर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि अर्थात 850 रुपये सिर्फ खर्च करने पर सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में कैशलेस इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जैसा कि पहले से उम्मीद थी कि गहलोत का बजट राहतों से भरा होगा, ठीक हुआ भी वैसा ही। सुबह के मुखिया अशोक गहलोत ने सदन में पेश किए पेपरलेस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, साथ ही टैक्स की अलग अलग मदों में 910 करोड़ रुपए की छूट दी। किसानों के हित और एग्रीकल्चर सेक्टर पर खास फोकस रखते हुए गहलोत ने किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की। इसके साथ ही खेती भी बिजली के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने की घोषणा की। इसमें एक के बजाय 2 महीनों में बिल भेजे जाएंगे, साथ ही 50,000 किसानों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा करते हुए 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकल दिए जाएंगे। गहलोत सरकार अब प्रदेश के सभी परिवारों की सेहत को ध्यान रखने का भी काम कर रही है। इस क्रम में कैशलेस बीमा की सौगात देने जा रही है। गहलोत ने बताया कि इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर ये योजना लाई जाएगी।
इसमें प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों, लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क और सामान्य परिवारों को 50% प्रीमियम राशि देकर बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें राजकीय और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। बजट भाषण में गहलोत ने कहा कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को ही कैशलेस बीमा का लाभ मिलता है। अब हम 3,500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करेंगे। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस बीमा मिलेगा। इसके तहत सामान्य परिवारों को कैशलेस बीमा के लिए 50% प्रीमियम की राशि देनी होगी, जो कि 859 रुपए की होगी, जबकि सभी संविदा कर्मचारियों, लघु व सीमांत किसानों को इस योजना में निशुल्क बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा की घोषणा की है। 3 राज्यों में 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की गई। 33,400 आंगनबाड़ी केंद्रों, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। 50 सरकारी स्कूल खुलेंगे और 100 स्कूल क्रमोन्नत होंगे। शांति अहिंसा प्रकोष्ठ को शांति और अहिंसा निदेशालय में बदला जाएगा। सभी संभागों में विशेष योग्यजन आवासीय स्कूल खुलेंगे। जोधपुर व जयपुर में इसी तरह से 2 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए जिन 4 विधायकों का निधन हुआ, उनके नाम पर उनके क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा भी की गई। इसमें राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कॉलेज, भिंजर में गजेंद्र सिंह कन्या कॉलेज, सुजानगढ़ में मास्टर भवनलाल कन्या कॉलेज, गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कॉलेज खोले जाने का ऐलान किया। बजट भाषण में मुख्यमंत्री गहलोत ने कई बड़ी और अहम घोषणाएं की। इसमें कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की बात करते हुए 1,600 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की गई। जीएलसी की दरों में 10% की कमी की घोषणा की गई। 50,00,000 तक फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर 4% की गई। सरकार लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देगी। इस पर कुल 200 करोड़ खर्च होंगे। नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा भी शुरू होगी। 30 मार्च को सभी जिलों में राजस्थान उत्सव होगा। दूसरे राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 10,000 युवाओं को भेजा जाएगा। फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे। राजस्थानी फिल्म को 25,00,000 रुपए की सहयोग राशि और GST पर 100% छूट दी जाएगी। गहलोत के बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए सर्किट बनाने की भी घोषणा की है। जयपुर, शाहपुरा और फतेहपुर में उपजिला अस्पतालों को बेहतर बनाने के सिलसिले में बड़ी घोषणाएं गहलोत ने की। इसमें SMS कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, अंकोलॉजी विभाग खोले जाएंगे। हार्ट फेफड़ों के इलाज की सुविधाओं का विस्तार होगा। मेडिकल टूरिज्म सेंटर की स्थापना PPP मोड पर होगी। यही नहीं, प्रदेशवासियों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरंतर चलाने के लिए डॉक्ट्रेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा की। सड़क हादसों को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देने के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के राजमार्ग तथा मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड और ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए योजना बनाई है। इसी के साथ युवाओं को वॉलंटियर बनाने और बच्चों के विकास के लिए खेलों से जुड़ी कई घोषणाएं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।